भारत में परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। 1990 के दशक में उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया था। जी हाँ, हम APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। पारिवारिक इतिहास और प्रारंभिक जीवन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलुद्दीन था जो एक नावक थे। उनकी माता का नाम असीमा था, वह एक गृहिणी थी। वे कुल 5 भाई बहन थे। अब्दुल कलाम के पूर्वज कई संपत्तियों और भूमि के बड़े ट्रैक्ट के साथ धनी व्यापारी और जमींदार थे। वे मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से किनारे का सामान व्यापार करते थे और मुख्य भूमि से पामबन द्वीप तक तीर्थयात्रियों के लिए नौका विहार करते थे। तो उनके परिवार को मारा कलाम, लग कीवियर, लकड़ी की नाव चलाने वाले, और बाद में मारा कियर के नाम से जाना गया। लेकिन 1920 के दशक तक उनके परिवार के व्यवसाय विफल हो गए और जब तक अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब तक वे गरीबी से जूझ रहे थे। परिवार की मदद करने के लिए कलाम ने कम उम्र में अखबार बेचना शुरू किया था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई लिखाई में समान थे, पर नए चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। वे चीज़ों को सीखना चाहते थे और अपनी पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने रामानाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया और 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1955 में वे मद्रास चले गए, जहाँ से उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। उनका सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था, परंतु परीक्षा में उन्होंने 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि IAF ने केवल 8 परिणाम ही घोषित किए थे, अतः वह उसमें सफल नहीं हो पाए। शिक्षा और कैरियर। वर्ष 1960 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए। उन्होंने इनको इस पर भारतीय राष्ट्रीय समिति की समिति के हिस्से के रूप में प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। उन्होंने DRDO में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करके अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर तैयार किया था। उन्होंने 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया था। वह DRDO में अपने काम से बहुत संतुष्ट नहीं थे और जब उन्हें 1969 में इसरो को स्थानांतरण आदेश मिले तो वे खुश हो गए। वहां उन्होंने SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में IGMDP के परियोजना 1988 में पहले पृथ्वी मिसाइल और फिर 1989 में अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का उत्पादन करके सफल साबित हुए। उनकी योग्यता के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। उन्होंने जुलाई 1992 में दिसंबर 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सचिव के रूप में कार्य किया और प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। अब्दुल कलाम जी ने इस अवधि में हुए पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण में डॉक्टर कलाम ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु राज घोषित किया। कलाम साहब का निधन। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे, जहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हो गई, इसलिए उन्हें बेथानी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनकी मृत्यु हो गई। श्री जनपाल सिंह को उनके कहे गए अंतिम शब्द थे, फंडिंगे, आर यू डूइंग वेल। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। क्या आप जानते हैं
कि लगभग 350,000 लोग कलाम जी के अंतिम अनुष्ठान में शामिल हुए थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। पुरस्कार और उपलब्धियां। भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर, रामानुजन पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया था। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? कमेंट बॉक्स में अपना मत जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।